नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सरकारी कर्मचारियों के आ गए अच्छे दिन। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग को दी मंजूरी। सैलरी में 23% तक इजाफे के संकेत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा रद्द। आम आदमी पार्टी का आरोप, राज्य सरकार के दबाव में रद्द करना पड़ा दौरा। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कड़ा बयान, कहा चैन से सोना है तो 30 सितंबर तक काली कमाई के बारे में बताओ। भारत में आईएस समर्थकों पर एनआईए की कार्रवाई। हैदराबाद में 9 जगहों पर छापेमारी कर 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दो आत्मघाती बम धमाके से दहला तुर्की का शहर इस्तांबुल। अतातुर्क एयरपोर्ट पर घुसे 3 हमलावरों में से 2 ने खुद को उड़ाया। 38 लोगों की मौत, 140 से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद में हत्या से पहले प्रॉपर्टी डीलर का बनाया वीडियो वायरल। वीडियो में डीलर ने आरोपियों के नाम किए उजागर। मामले में पत्नी गिरफ्तार। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23% तक के इजाफे को स्वीकार कर लिया गया है। नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट बैठक में मूल रूप से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। इससे पहले पीएम ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी मांगी थी। अब इस फैसले के बाद 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशन भोगी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा रद्द हो गया है। दरअसल राज्य सरकार से तय स्थान पर कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने की वजह से केजरीवाल के इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि केजरीवाल 9 और 10 जुलाई को गुजरात का दौरा करने वाले थे। इस दौरान 10 जुलाई को सूरत में ट्रेडर एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में केजरीवाल को शामिल होना था, लेकिन राज्य सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात सरकार के दबाव के चलते सूरत में जिस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम को वेन्यू के तौर पर बुक किया गया था, उसकी बुकिंग रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अगले साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का मन बना चुकी है। और ऐसे में चुनाव प्रचार की शुरुआत के मद्देनजर केजरीवाल का गुजरात दौरा पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा था। और अब खबर काले धन से जुड़ी। काला धन रखने वालों के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। जेटली ने काली कमाई बताओ योजना का जिक्र करते हुए सीधी चेतावनी दी है कि चैन से सोना है तो 30 सितंबर तक काली कमाई की पूरी जानकारी दें। वित्त मंत्री के मुताबिक इस योजना में काली कमाई का खुलासा करने वालों को पूरा टैक्स चुकाना जरूरी होगा। नई आय घोषणा योजना के तहत किसी भी साल में नहीं घोषित की गई कमाई या उससे बनाई संपत्ति का ब्यौरा सरकार को 30 सितंबर तक देने की सुविधा है। 4 महीने की इस समय सीमा में अपनी कमाई का ब्यौरा देते हुए बिना किसी रियायत टैक्स चुकाना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नई योजना को लेकर खुलकर बात की थी, जिसके बाद पूरी सरकारी मशीनरी अब योजना को कामयाब बनाने में लग गई है। और अब अगली खबर भारत के लिए हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आतंकी संगठन ISIS देश में लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश में लगा है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज हैदराबाद में 9 जगहों पर छापेमारी की और इस दौरान 11 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। सभी की उम्र 20 साल के करीब बताई जा रही है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मौके से पुलिस को हथियार, विस्फोटक सामग्री और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। दावा किया गया है कि संदिग्धों के पास से आधुनिक हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी संदिग्ध आईएस के आतंकियों के संपर्क में थे और अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर होने की बात सामने आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तुर्की में इस्तांबुल का अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार को धमाकों से दहल उठा। एयरपोर्ट पर 2 आत्मघाती बम विस्फोट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई जबकि 140 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में 5 पुलिस कर्मियों की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में 3 हमलावर घुसे थे और इनमें से 2 ने एंट्री गेट को निशाना बनाते हुए खुद को उड़ा लिया। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे आईएस के आतंकियों पर शक जताया जा रहा है।
तुर्की के राष्ट्रपति ने हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम शुरू करने की अपील की है। तुर्की में जनवरी से अब तक 6 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं और जिसमें आम आदमी के साथ साथ सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में कोई भारतीय शामिल नहीं है। वैसे तुर्की में हुए आतंकी हमले की अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने निंदा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे अमानवीय बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। और अब बात एक ऐसी वीडियो की जिसे देख आप भी सन रह जाएंगे कि आखिर कैसे जब एक प्रॉपर्टी डीलर की फरियाद पुलिस ने नहीं सुनी तो उसने हत्या से पहले हत्यारों का नाम उजागर करते हुए खुद का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल साइट पर डाल दिया। दरअसल गाजियाबाद के प्रॉपर्टी डीलर धीरज चौधरी ने अपनी हत्या से 3 दिन पहले वीडियो बनाया था। वीडियो में हत्या के आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई गई थी। धीरज को डर था कि उसका मर्डर हो जाएगा, इसीलिए उसने वीडियो में आरोपियों के नाम भी लिए। धीरज के बयान के मुताबिक उसका 5 आरोपियों पर करीब 4 करोड़ रुपए बकाया था। इसी पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। 26 जून की रात गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दफ्तर में घुसकर धीरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में धीरज के पिता भी जख्मी हो गए थे। गाजियाबाद पुलिस धीरज के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वैसे धीरज का वीडियो काफी चौंकाने वाला है और अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वह इस मामले में पुलिस ने धीरज की पत्नी को गिरफ्तार किया है और वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।